स्वागत है आपका रीना रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम। जैसा कि आप सब जानते हैं नेचुरल की जो आइसक्रीम उसका बहुत ही नेचुरल फ्लेवर होता है, कुछ मैं उसी तरह की आइसक्रीम बनाऊंगी। आपने नेचुरल की कोकोनट थंडर आइसक्रीम खाई होगी, बिल्कुल ये वैसी ही टेस्ट होगा। तो आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करें और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर आज हम बनाते हैं कोकोनट थंडर आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम बनाने में जो मेरे को सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। मैंने 200 ग्राम व्हिप क्रीम ली है, आप इसकी जगह हेवी क्रीम या डबल क्रीम कुछ भी ले सकते हो। और इसको बिल्कुल कोल्ड होनी चाहिए, इसको आप बल्कि बनाने के पहले हाफ एन आवर फ्रीजर में रख दे फ्रीज से निकाल के। ये मैंने वनीला एसेंस लिया, ये कंडेंस्ड मिल्क है, ये भी मेरे को 200 ग्राम चाहिए और 250 ग्राम हमें क्रीम चाहिए। और ये मैंने नारियल लिया जिसको मैंने स्क्रीपर से स्क्रिप कर लिया पीछे का पार्ट निकाल के। बस हमें इसे बनाने में इतनी ही सामग्री चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा चीनी पाउडर शुगर पाउडर ऐड करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर हम बनाते हैं कोकोनट थंडर आइसक्रीम। अब मैं सबसे पहले ये जो व्हिप क्रीम है उसको यूज करूंगी। आप देख रहे हो मैंने इसमें भी आइस रखा और इसको भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था एक घंटे के लिए, तो ये भी बिल्कुल ठंडी है। और क्रीम सब कुछ बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, अदरवाइज जो है क्रीम है फट जाती है और उसका बटर बन जाता है, वो फ्लफी नहीं होती। तो आप इस तरह इसको निकालें। अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर की सहायता से कर लूंगी। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में तो नॉर्मल ब्लेंडर से भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने जितनी क्रीम ली थी उसकी ये जस्ट डबल हो गई है। ये व्हिप क्रीम लिया मैंने, आप नॉर्मल हेवी क्रीम या अमूल की कोई भी क्रीम कोई भी कंपनी की आप ले सकते हो। तो आप इस तरह करते रहे, आप देख सकते हो। जैसे हम केक की आइसिंग बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है, उसमें शुगर डालते हैं, इसमें शुगर नहीं डालते। और अगर आप हैंड मिक्सर से कर रहे हो तो लो पे करें, हाई पे ना करें, नहीं तो ये फट जाएगी। अब आप देख सकते हो जब मैंने इसको फेंट लिया है वो इस तरह की बन गई है, जस्ट ऐसे क्रीम बन जाती है। तो आप ऐसे ही करें और एकदम चिल्ड करें, अदरवाइज ये फट जाएगी, बटर बन जाएगा इसका। अब मैंने ये जो कंडेंस्ड मिल्क लिया है ये भी 200 ग्राम डालूंगी, ये 400 है, मैं इसमें से आधा डालूंगी। और ये काफी मीठा होता है तो इसमें शुगर की जरूरत नहीं है, अगर आपको शुगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो ही डालें। और इसमें हल्का सा एकदम वेनिला एसेंस डालेंगे आप, ये ऑप्शनल है, अगर आपको मर्जी है तो डालें, नहीं तो नहीं। बस मैं 5 से 6 बूंदे डालूंगी। और ये जो मैंने नारियल लिया है ये मैं 1 टीस्पून के करीब, ये थोड़ा सा ज्यादा 1.5 टीस्पून के करीब डालूंगी, क्योंकि आइसक्रीम की क्वांटिटी मेरी बहुत कम है। बहुत ज्यादा तो आप 1 टेबल स्पून, उससे ज्यादा बिल्कुल ना डालें। अब इसे अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे ऐसे। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना अच्छा टेक्सचर आया है। और हम इसे अभी एक बर्तन में कोई भी बाउल में निकालेंगे। अब मैं इसका प्लास्टिक के बाउल में इसको पोर करूंगी। और अगर आपके पास आइसक्रीम कंटेनर है तो आप उसमें भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने ये प्लास्टिक कंटेनर में निकाल दिया है। और अगर आप इसके ऊपर ढकने का आपके पास कुछ नहीं तो क्लीन फिल्म से भी आप ढक के रख सकते हो, पर ढके जरूर। तो मेरे पास इसका ये लीड है तो मैं इसी से ढक के रख रही हूँ। और ये मैं 6 से 8 आवर्स के लिए रखूंगी फ्रिज को एकदम हाई पे करके, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो। तो आप देखोगे ये बिल्कुल जम गया। और बीच में 2 घंटे के बाद एक बार आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इसकी सॉफ्टनेस बनी रहेगी। तो आप ये प्रोसेस फॉलो करें, बिल्कुल नेचुरल के आइसक्रीम जैसा ही इसका टेस्ट आएगा। कोकोनट आप थोड़ा कम बेसी डाल सकते हो जैसा आपको पसंद है, और शुगर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख सकते हो ये हमारी आइसक्रीम 8 आवर्स में बिल्कुल अच्छे से जम गई है। तो अब मैं इसे निकालूंगी। मेरे पास चूंकि स्कूपर नहीं है तो मैं ये स्टील की चम्मच से निकालूं, अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूपर है तो आप उससे निकालें, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए इस तरह स्कूप करके निकालें।
तो ये रेसिपी आप घर में जरूर ट्राई करें। इसका टेस्ट बिल्कुल जो नेचुरल की कोकोनट टेंडर आइसक्रीम आती है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।